जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोचा है। ये ऐसे हमारा डेली टॉपिक है एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। ठीक है, आज भाई 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर ट्यूसडे है एंड आज हम करने वाले हैं रीडिंग विद दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, वी गॉट द स्टारलाइट ओरेकल एंड द स्वीट ड्रीम्स ओरेकल। ठीक है, तो दो ओरेकल और एक टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स ट्यून टू इट। ठीक है, चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। वाओ, एक कार्ड तो आ गया। चलो ये है भाई एस ऑफ पेंटिकल्स और देखते हैं। ओके, 2 3 4 5 6, चलो और देखते हैं कोई कार्ड आता है क्या एक्स्ट्रा। ठीक है, 6 कार्ड्स तो आ गए। ये आ गया 7 8 9। ठीक है, तो चलो हमने पिक किए हैं 9 कार्ड्स, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स कैसे हैं। ओके, तो चलो मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, वेल, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे कार्ड दिखाई दे रहे हैं, दैट्स प्रीटी गुड। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। हम स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करेंगे, सो लेट्स गेट टू इट। देखो, जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, पावर का साइन, पैशन का साइन। ओके, एंड यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई, एस ऑफ वांड्स है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी लेकिन धीमी शुरुआत है। ये पर्सन पहली बात तो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बातें बहुत ही यू नो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हल्की हल्की। ठीक है, अगर आपको कोई भी बात इनसे करनी है या फिर कोई बात छेड़नी है, सो यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी लो प्रोफाइल, यू नो, छोटी सी बात से शुरू करो। फिर बाद में जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन में चेंजेस होने लगेंगे या फिर 15-20 मिनट हो जाएंगे तो आप असल मुद्दे पे आ सकते हो। तो पहली बात, इफ़ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दिस गार विद दिस गर्ल, तो धीरे धीरे शुरुआत करो। ठीक है, सेकेंड कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड इसके बाद आने के लिए अभी इस रेडी में क्या मतलब बनता है कि ये विक्ट्री है। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ विक्ट्री। दैट मीन्स कि भाई अगर आप इस कार्ड के इंट्यूशन के थ्रू अगर फॉलो कर रहे हो, यू नो, जो मैं आपसे भी कह रहा हूँ, सो सिमिलरली इनके दिल पे, सिर पे जो एक बोझ है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारण की वजह से वो अगर बात करने के लिए राजी ना थे या फिर कहीं ना कहीं किसी मुसीबत का सामना कर रहे थे, तो धीरे धीरे 15-20 मिनट के बाद इनके दिमाग से वो चीज़ें चली जाएंगी। टेन ऑफ सॉर्ड्स में क्या होता है, इट्स लाइक भी दी एंड, तो दी एंड हो जाएगा उस सिचुएशन का और वो बैक टू यू आ जाएंगे। तो आपसे कम्युनिकेशन करना इनके लिए काफ़ी सही हो जाएगा। ये साइन होता है जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस का कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट वी गॉट इज 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो हाँ, ये रीडिंग सही जा रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग है कि भाई धीरे धीरे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और धीरे धीरे ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास करने लगेगा। ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट रखेगा। अब ये हर रोज़ होता है नहीं, डिपेंड्स ऑन दैट। कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते के सिर्फ कुछ ही दिन बातें करते हैं, वो उनका फेवरेट डे होता है, फिर कई बार उनको लगता है कि भाई हफ्ते में या महीने में हम बातें करते वगैरह। सो आई थिंक दिस इज़ द साइन ओवर देयर कि पर्सन आपके ऊपर भरोसा करना चाहता है और फिर कि भाई अब अगर आप उनके साथ हो तो इनको अब किसी बात की टेंशन नहीं है। हल्की हल्की टेंशन होती है कई बार, जैसे कि पैसे कहाँ से आएंगे, जॉब का क्या होगा, या फिर व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे, व्हाट अबाउट ट्रैफिक वगैरह, यू नो, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे लड़ाई झगड़ा हो गया वगैरह वगैरह। तो हम उस चीज़ को हमारे दिल में रखते हैं। ओके, एंड वो दिल से बात निकलती नहीं, तो दिल से बात निकलने के लिए जो दिल के सबसे करीब है उससे बात करनी होती है, और वो भी हम तब नहीं करते जब कोई हमसे वो बात कहलवाता है तो हम कहते हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। तो हाँ, पहला जो कार्ड था वो था कि कम्युनिकेशन की हल्की हल्की धीमी शुरुआत, और यहाँ पे भरोसा जीतना हमें दिख रहा है। वी गॉट 10 ऑफ वांड्स, सेकेंड टाइम 10 आ गया है, उनके लिए भी 10 नंबर है। एंजल ब्लेसिंग्स के लिए वो काफ़ी सही है। अगर आपने 10 नंबर आज के दिन में देखे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ साइंस हो सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ वांड्स का मतलब इस पर्सन ने अभी तक बहुत से काम किए और बहुत सी कठिनाई झेली है। अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अब उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका साथ पाना, ऐसा कोई कि जो उसका साथ दे। ठीक है, शायद ये पर्सन अकेला रहना पसंद करता है, फिर कहता तो है कि भी मेरे बहुत दोस्त हैं, बट व्हाट हैपेंड इज कि आज मैंने धर्मेंद्र सर का एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कहा कि उनका एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था। पूरी फिल्मी स्टोरी थी
उनकी एक रिच गर्लफ्रेंड थी, उसने कहा कि महीने में 10,000 रुपये कमा के दिखा और वो सिर्फ 60-60 कमा रहे थे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और सिर्फ 3,000 कमा गए। और उसके बाद उनको जब पता चला कि उसकी शादी हो रही है तो उनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था। तो ये उनकी अवस्था थी। अब इससे जब वो बाहर निकले तो आज वो क्या है वो हम देखते हैं। और ये सिचुएशन जब इनके ज़िंदगी में आ गई है, मतलब इस पर्सन को इस चीज़ से बाहर निकलना है। सो अगर आप हो, एज अ फ्रेंड हो, एज अ लवर हो, एज अ वाइफ हो, एज अ हस्बैंड हो, कि उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कितनी बार 10 नंबर आ चुके हैं यहाँ पे। 10 नंबर का यहाँ पे आना मतलब कहीं ना कहीं कंप्लीशन। और यहाँ पे जो एंड का 10 नंबर में ये दिख रहा है वो है कंप्लीशन का कारण है कि भाई कहीं ना कहीं नाउ द पर्सन कैन रेस्ट ऑन यू, ऑन योर शोल्डर। अब ये आपके भरोसे ज़िंदगी जी सकता है कि भाई कोई ना सही, आप तो हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके थ्रू इसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ऐसी आपकी बातें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये फैमिली गाय है तो बात करो रिगार्डिंग फैमिली, जैसे कि चाहे बच्चों के बारे में बात करो या फिर फ्यूचर के बारे में, ओके। अगर ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करे तो रिगार्डिंग दैट कि भाई मैं भी जॉब करता हूँ, करती हूँ वगैरह, आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, यू नो, एंड आप दोनों कैसे एक दूसरे के लिए बहुत ही पूरक हो, बहुत ही कोऑपरेटिव हो, ये आपको उनको बताना होगा, ठीक है, ताकि ये सही समझ आए और खुश और शांत रहे। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है यहाँ पे वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 9 ऑफ कप्स। ओके, बाय मिस्टेक मैंने कह दिया 9 ऑफ कप्स ही है, एंड ये आ गया डायरेक्टली 10 के बाद, सो दैट इज अ वंडरफुल साइन। पेंटाकल जो होता है प्रैक्टिकलिटी के लिए, उसके उल्टा हमें दिख रहा है आपको समझ के, कहीं ना कहीं विश कार्ड है। तो ये अपनी विश आपको बता सकते हैं, जो बहुत ही लकी है उनको फोन पे या फिर रियल में एक किस हल्का सा जरूर मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी विश बता सकता है। द हमिट मतलब वरों का साइन आ गया यहाँ पे कन्या राशि, ये पर्सन सही दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये इतने देर बाद कार्ड आ गया, मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद वो ट्रस्ट करने लगेगा, उसकी ख्वाहिश, उसकी इच्छाएं आपके सामने रख सकता है, और उसके बाद उसको एक अंदाज़ा आ सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। द स्टार का मतलब है यहाँ पे अगेन सेकेंड विश कार्ड हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। द स्टार एक्वेरियस का साइन है कि भाई हम बहुत सी इच्छाएं करते हैं लेकिन कौन सी पूरी होती है। तो यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं ये अभिलाषा है कि आप अगर उनके साथ हो तो उनकी बहुत सी महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो हाँ, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, बट उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द सन यानी कि एनर्जी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या फिर अपना टाइम व्यर्थ करते हैं, चाहे वो गेम खेलने में हो वगैरह। तो देखने में तो लगता है कि भाई 10 मिनट यहाँ वहाँ गुजर गए, लेकिन 30-40 मिनट जब आप विदाउट फ़ोन किसी अच्छे व्यक्ति से आप बात कर सकते थे या फिर कोई अच्छा वीडियो देख सकते थे ज्ञान के लिए, अगर आपने वही नहीं दिखा, बाद में जब आपको नींद नहीं आती और तब आप अगर गेम खेलते तो इट वॉज़ अंडरस्टैंडेबल, लेकिन तब आप किसी ऐसे बात नहीं कर सकते रात के वक्त। तो वो बात उनके लिए इंपॉर्टेंट है, द पर्सन नीड टू कनेक्ट विद द स्पेसिफिक वन, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग टैरो, आप देखते हैं स्टार लाइट से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड एबी को, ठीक है। तो देखते हैं अभी हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, एक कार्ड है अंदर आ गया। चलो तो देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग यहाँ पे, एबी को, ठीक है। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं, 1, 2, 3। चलो तीन ही कार्ड लिए हमने आज, मुझे तीन ही कार्ड्स लेने का मन हुआ। क्या है कार्ड्स हम देखते हैं, पहले मॉर्निंग स्टार है यहाँ पे, देन वी गॉट द स्ट्रॉस एंड देन वी गॉट द लव, ठीक है। तो क्या है वो देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है लव टू द मून एंड बैक, कि भाई इस पर्सन के लिए प्यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमने टैरो में रीडिंग देखी कि प्यार से डरता है या फिर उसे लगता है कि भाई या तो उसे पूरा प्यार नहीं मिलेगा, बीच में आप उसको छोड़ के जा सकते हो, फिर कुछ ऐसा होगा कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन डेस्टिनी के खिलाफ जाने से डरता है, और डेस्टिनी कुछ नेगेटिव ना कर दे ये सोच के डरता है, ठीक है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई होगी और वही बात है यहाँ पे, तो हाँ उसको प्यार की सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ट्रस्ट, द लाइट इन यू कैन नॉट बी डीम्ड। इसको भरोसा जीतने वाला कोई चाहिए। कई बार हम लोगों से मिलते हैं लेकिन वो हमारा भरोसा जीत नहीं पाते। यहाँ पे ये पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है कि आप उसका भरोसा जीते, कि भी ये आपके ऊपर आंखें बूंद करके भी बंद करके भी आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। और हर कोई एक्चुअली इतना पावरफुल नहीं होता, क्योंकि आज आप खुद के बारे में देख लो, दिन में आप इतने लोगों से मिले हो, कितने लोगों के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो आंखें बंद करके। जस्ट आस्क यू सेल्फ, जो कार्ड वही मॉर्निंग स्टार, कीप शाइनिंग इवन व्हेन द अदर्स हैव क्विट। ये एक सपने वाला कार्ड है,
काफ़ी अच्छे और प्यारे सपने इस पर्सन को आ सकते हैं। और वो क्यों आएंगे? अगर आपका साथ इनको मिला, चीज़ें सही हुई, तो एक बेहतरीन नाइट उनकी हो सकती है, एक बहुत ही अच्छी नींद उनको मिल सकती है। बेहतरीन नाइट का मतलब कि अच्छी नींद, ठीक है। सो आई थिंक ये पर्सन को डरा हुआ है या फिर उसको नींद ठीक से नहीं आती है, तो दैट इज़ वाई द पर्सन इज़ लुकिंग फॉर यू और समबडी जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग समझे कि वो क्यों और क्या चाहते हैं। ओके, तो सर हमें कुछ चाहिए से कुछ नहीं होता, सामने वाला पर्सन भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। चलो पांच कार्ड आ गए, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है सरेंडर का कार्ड। ठीक है, सरेंडर मतलब कि भाई जो भी अपने पुराने बिलीफ सिस्टम उसको छोड़ना है, जो भी इसको लग रहा है कि मैं सही हूँ ये चीज़ छोड़नी है, आपसे कम्युनिकेट करने के बाद इसको खुद ब खुद इसका एहसास हो जाएगा। जॉय, भाई ज़िंदगी में हम जितनी खुशियां पा सकते हैं पाने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ज़रिया सही होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है इसी क्लब जाना, डिस्को जाना इज़ लाइक अ जॉय, या फिर हमने डांस पर किया। जॉय का मतलब है बीइंग विद द वन हु गिव्स यू हैप्पीनेस। ओके, और ये हैप्पीनेस सबको नहीं मिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो इसी वक्त अगर हम कहें कि भाई चलो किसी को सबसे अजीज़ जो है वो आपके साथ हो, क्या है किसी की माँ उनके साथ नहीं है, चाहे वो कहीं दूर हो या फिर उनसे दूर चली गई हो, उनसे खफा हो, उनके पेरेंट्स हो या फिर उनके दोस्त हो जो अभी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको रियल जॉय मिल रहा है? आस्क योरसेल्फ। तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपनी असली खुशी ढूंढ रहे हैं और आप उनको हेल्प कर सकते हो। इनर चाइल्ड, भाई इनर चाइल्ड का मतलब है कि आप में ही खुशियाँ हैं और आपको वो ढूंढनी है। अगर आपने जिन्हों जैसे कि बचपन में हम बहुत सी कोशिशें करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कोशिश करनी बंद नहीं करनी है, आगे बढ़ते रहना है। ट्रांजिशन भी कहीं ना कहीं पे जैसे कि हम ट्रांजिट करते हैं, हम यहाँ से वहाँ चल के जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे अंदर बदलाव होते हैं। तो ये बदलाव सिर्फ अंदर नहीं होने चाहिए, हमारे थॉट्स में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में भी दिखने चाहिए, सिर्फ होने नहीं चाहिए। जो फाइनल कार्ड हुआ एक्सपीरियंस, कि क्या आप उनको कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है और क्या वो खुद एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जैसे कि वो बदल गए हैं, क्या बदल गए हैं, क्या बदला उनमें, उनका स्वभाव, उनका एटीट्यूड, उनका पहराव, तो ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे ये आपसे और ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आप दोनों की जोड़ी सच में सही है एक दूसरे के लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें और बातों का एक्सपीरियंस इस पर्सन को हो सकता है। थैंक यू।